क्या बीतती है एक पत्नी पर जब उसके पति पर आरोप लगता है कि उसका पति बलात्कारी है। बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा देना गलत होता है। देखिए किस प्रकार से पत्नी संगीता सेंगर पति के इज्जत के लिए और अपने सम्मान के लिए और अपनी बेटियों के सम्मान के लिए खासकर समाज से आग्रह कर रही है कि कृपया ऐसा ना करें। कृपया बलात्कारी कहने से पहले जांच होने दीजिए। बलात्कारी कहने से पहले एक बार पूर्णतया जांच हो जाए। जांच का पक्ष होना भी चाहिए, भारतीय संविधान कहता है। उसके आधार पर कहना चाहिए किसी को बलात्कारी, किसी को हत्यारा और किसी को कोई भी आरोप लगाने से पहले या आरोप उस पर थोपने से पहले जांच का विषय हमें भी देखना चाहिए, मीडिया को भी देखना चाहिए। खैर इस कम और इस पूरी स्थिति में प्रशासन जांच कर रहा है, देखना होगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से संगीता सेंगर और कुलदीप सिंह सेंगर विधायक का परिवार इन दिनों अपने बुरे समय से गुजर रहा है, मानसिक रूप से तनाव से, और उन्हें आज सांत्वना की जरूरत है, शांति की जरूरत है और जांच संविधान को करने की जरूरत है। संविधान जांच करेगा, कानून जांच करेगा, फिर निर्दोष कौन है और दोषी कौन है ये तो पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आग्रह और अनुरोध कर रही है कुलदीप सिंगर की पत्नी। लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे पति का नार्को टेस्ट करा लीजिए, उस महेश का नार्को टेस्ट करा लीजिए, हमें उस लड़की का करा लीजिए। हमें उस लड़की से पूरी सिंपैथी है। उस लड़की के इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल इशू है, हमारे पति को मोहरा बना दिया गया है और जगह जगह आंदोलन हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हमारे पति निर्दोष है। पहले आप लोग जांच करवाइए, पहले से ना साबित कर दीजिए कि और बलात्कारी है। उनका राजनीतिक जीवन और आप लोग पता लगाइए, 15 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोग खाली सम्मान और दूसरे की सेवा में ही अपनी जिंदगी 52 साल के हो गए हैं, इसी में बिता दिए। हमें हमारी भी दो बेटियां, हम जानते हैं कि बेटियां कैसी होती। आप लोगों की वजह से वो दोनों कमरे में दोनों बंद है, प्रताड़ित हो रही है। एक हमारी बेटी मेडिकल कर रही है, उसके पेपर है। एक IAS की तैयारी कर रही है, वो बिना खाए पिए न कोचिंग जा रही है न वो पढ़ाई कर पा रही है। और हम लोग को मानसिक आप लोग इतना प्रताड़ना कर रहे हैं, हम लोग भी यही जान दे देंगे अगर पूरा हम लोगों का सबूत कुछ आप लोग दिखा नहीं रहे। कोई ऐसी जगह नहीं है जो हम पक्ष के जो सबूत है, जो सच्चाई है, उसको दिया ना गया हो। लेकिन आप लोग खाली एक पक्ष देख रहे हैं। कोई अगर मुंह पे कपड़ा बांध करके और वो बलात्कारी कह दे कि इसने हमारे साथ बलात्कार किया, तो उससे ये सिद्ध नहीं होता। जब तक उसका जब तक आप सबूत नहीं, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, तो हम मीडिया वालों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि उनको बलात्कारी ना कहे। हमारी दोनों बेटियां हैं। लगभग सारी बातें सुनकर तो ये लगता है कि इस समय कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार पूरी तरह हताश है, निराश है, परेशान है। इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए जिस प्रकार से बेटियों की बात बताई संगीता सेंगर ने, यह भी एक दुखद बात है, क्योंकि वो भी एक बेटियां हैं, भारत की ही बेटियां हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आज डिप्रेशन में। खैर देखना होगा प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करे।